सभी किसान भाइयों का और डेयरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान फार्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज इंडिया में जो USA इंपोर्टेड बुल्स हैं उसको जो सबसे ज़्यादा USA इंपोर्टेड बुल्स का सीमन जो सेल करते हैं वो दो कंपनियां हैं आपकी ABS और वर्ल्ड वाइड सायर्स WWS। आज इन दोनों बुल्स के बारे में कंपेयर करेंगे क्योंकि ये दोनों ही बुल्स आपके USA इंपोर्टेड बुल्स हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर कंपनियां हैं, चाहे SAG हो, वो सब आपके डेनमार्क, जर्मनी ज़्यादा इनके बुल्स में डील करती है। CRV है आपकी, वो आपके नेदरलैंड्स के बुल्स में डील करती है। तो आज हम ABS, ब्रूट और वर्ल्ड वाइड सायर्स कैस्पर, इन दो बुल्स का पूरा डिटेल देखेंगे और देखेंगे कौन सा बुल इनमें से ज़्यादा अच्छा है। हर एक पैरामीटर पे इनको कंपेयर करेंगे, चाहे वो मिल्क का हो, अडर का हो, सोमेटिक सेल का हो, फीट एंड लेग्स हो, इनका टोटल कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा बुल ज़्यादा अच्छा है और जो आपको यूज़ करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ABS ब्रूट की। ABS ब्रूट की पेडिग्री आपके सामने है, मॉन्ट्रॉस, एल्टा एम्बेसी और रोबोस्ट। ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18391। तो ये इसका एक हमने ब्रीफ डाटा दिया है जो आप ब्लड लाइन आपको ज़रूरत पड़ेगी AI के टाइम पे ताकि इन ब्रीडिंग ना हो। और ये आप देख लीजिए ब्रूट का ये बुल है, ब्रूट काफ़ी वाइट कलर का बुल है, इस तरह का बुल आपको दिखेगा। थोड़ी सी और आपको एक दो फ़ोटो दिखा देते हैं। ये उसकी मैटरनल ग्रैंड डैम है, ये उसकी मतलब नानी है, सीगल बे मिस अमेरिका ET, काफ़ी वाइट कलर की है, इसके जैसा ही बुल है। और ये मैटरनल ग्रैंड डैम है, ये पड़ नानी है इसकी, एमन पीछे शोना। तो ये काफ़ी ब्लैक कलर की है। तो हमने देखा है ब्रूट की बछड़ियाँ काफ़ी कई बार ना ब्लैक कलर की भी आ जाती हैं, तो वो अपनी पड़ नानी पे जाती हैं। इसके बाद पूरी डिटेल पेडिग्री देख लेते हैं इसकी ब्रूट की। तो ये इसका सायर है फादर पेकन हिल मॉन्ट्रॉस और डैम है इसकी कंपास TRT एमरेक AE। और ये इसकी डैम का रिकॉर्ड है, 2 साल 7 महीने की एज में ये 365 दिन का रिकॉर्ड है। और ये जो रिकॉर्ड है ये इन्होंने दिया है पाउंड्स में, 365 दिनों में 30,430 पाउंड्स। तो आप इसको KG में कन्वर्ट करके देख सकते हो, ये आपका लगभग 13,800 किलो के करीब बनेगा। पर ये पूरा एक साल का है, 365 दिन का है, लगभग 13,800 किलो दूध। फैट बहुत अच्छा है ब्रूट का, 4.7% ब्रूट के मदर ने फैट दिया है। इसके बाद मैटरनल ग्रैंड सायर है, इसका नाना है एपाइन फ्रीडो। और ये आप देख सकते हो इसकी मैटरनल ग्रैंड डैम का रिकॉर्ड है, ये भी 365 दिनों का रिकॉर्ड है। और ये है आपका 31,750 पाउंड, ये भी लगभग आपका 14,400 किलो बनेगा। और फैट इसका भी अच्छा है, इसकी नानी का भी 4.3% फैट है। इसके बाद आप देख सकते हो इसका मैटरनल ग्रैंड सायर है जो कि पड़नाना है, रोबोस्ट है, रॉयलिन सोकरा रोबोस्ट। और ये मैटरनल ग्रैंड डैम है इसकी पड़नानी है, एक्सीलेंट 92 GMD गोल्ड मेडल डैम, DOM डैम ऑफ मेरिट। तो जितनी भी उपाधियां होती हैं वहां पर अमेरिका में सारी की सारी इसकी पड़नानी को मिली हुई हैं, क्योंकि इसकी पड़नानी बहुत ही शानदार गाय थी। आप 365 दिनों में रिकॉर्ड भी देख सकते हो, 40,290 किलो है। तो ये किलो नहीं, सॉरी, 40,290 ये दूध है पाउंड्स में। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये मिल्क इम्प्रूव कितना करेगा, प्लस 1393 पाउंड्स। ये फैक्टर दरअसल इंडिया में ज़्यादा नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का जो लेवल सेट है वो लगभग 11-12 हज़ार किलो पे पहले ही सेट है, उसके बाद वो देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट करेगा। इंडिया में तो गाय कोई 4,000 लीटर दे रही है, कोई 5 दे रही है, कोई 6 दे रही है, बहुत अच्छे फार्मों की एवरेज 7-8 हज़ार लीटर की होती है। तो उसके बाद ही ये रिकॉर्ड देखा जाता है कि कहाँ पे जाके मिल्क इम्प्रूव करेगा। तो मिल्क वैसे बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा, अच्छा इम्प्रूव इसलिए करेगा क्योंकि जो मदर साइड की ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपकी माँ भी, नानी भी, पड़नानी भी, सभी के रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं, सभी आपके 13,000, 14,000, 16-17 हज़ार रिकॉर्ड तक के हैं। तो इसलिए मिल्क बहुत इम्प्रूव कर रहा है, प्लस 1393। लेकिन सोमेटिक सेल स्कोर जो है वो थोड़ा सा हाई है, वो आपका करीब 3.17 है। तो सोमेटिक सेल स्कोर थोड़ा हाई है, तो ये 3 से कम हो तो हम मानते हैं वो अच्छा रहता है। तो ये एक बुल के अंदर कमी है। तो
तो अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं रखोगे तो थोड़ा सा मैस्टाइटिस होने का चांसेस रह सकता है, क्योंकि सोमेटिक सेल स्कोर का एवरेज हम 3 मानते हैं, उससे ज़्यादा में थोड़ी सी परेशानी होती है तो 3.17 है। इसके अलावा आप देख सकते हो डॉटर प्रूवन बुल नहीं है, साफ साफ यहाँ से दिख रहा है 0 डॉटर्स हैं, 0 हर्ड्स हैं जब तक वो यूएसए में था, 100% यूएसए का ये डाटा है। इंडिया में आने के बाद तो देखो इसकी बहुत सारी डॉटर्स आ चुकी हैं, हमने इसकी डॉटर्स को अच्छा खासा दूध देते हुए भी इंडिया में तो देखा है, एटलीस्ट डिपेंड करता है कैसी मदर को लगा था, लेकिन यहाँ पर इसने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट जो सोमेटिक सेल स्कोर के बाद इसका सामने आता है वो है इसका फर्टिलिटी इंडेक्स, इसकी फर्टिलिटी भी माइनस में है, आपको कंसेप्शन में दिक्कत आएगी। इस बुल में फर्टिलिटी इंडेक्स -2.6 है, इसके अंदर हीफर कंसेप्शन रेट भी माइनस में है जो इसकी हीफर जाएंगी, और काओ कंसेप्शन रेट तो बहुत ही ज़्यादा माइनस में है, -3.8। इसके बाद इसका टोटल टीपीआई होता है टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स +2378, 2378 है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, अडर स्कोर भी, फीट एंड लेग स्कोर भी, बॉडी स्कोर भी, सारी चीज़ों को मिला के इसका एक टोटल स्कोर बनाया जाता है। ये जितना ज़्यादा होता है तो ओवरऑल जो बुल होता है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसका अडर स्कोर जो है वो प्लस में है, तो अडर तो अच्छे आएंगे, +0.070। आप नीचे से देख भी सकते हो कि 4 अडर अटैचमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, +0.25 कि अगले जो थन है उसकी बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है वो अच्छी है। रियर अडर हाइट भी काफ़ी प्लस में है, मतलब अडर ज़्यादा नीचे से नहीं स्टार्ट होगा, ऊपर हाई अडर होगा और वाइड होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा अडर और काफ़ी चौड़ा बनेगा, ये दोनों चीज़ें इसकी प्लस में हैं। रियर अडर हाइट भी +1.41 हाई है, और रियर अडर विड्थ भी, अडर चौड़ा भी बनेगा, +1.73 वाइड है। अडर क्लेफ्ट इसकी थोड़ी वीक है, क्लेफ्ट होता है जो बीच की लाइन होती है। इसके अलावा फीट लेग स्कोर माइनस में है, -0.16। अब आ जाते हैं हम वर्ल्ड वाइड सायर्स के बुल पे, ये है हमारा कैस्पर, ये भी आप देख, ये कैनेडियन रजिस्ट्रेशन बुल है, HOCAN आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर है 13743, और इसकी जो ब्लड लाइन है वो है हैंग टाइम, बॉम्बेरो और मोगूल, और ये कैनेडियन रजिस्ट्रेशन है। तो ये जो बुल है आपका ये वर्ल्ड वाइड साइज का है, और ये इसकी स्ट्रॉ जो है वो इंडिया में अवेलेबल है। इसके बाद ये इस बुल की फ़ोटो आप देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट मिक्स कलर का है, जैसे ब्रूट था आपका वो तो ज़्यादातर वाइट कलर का ही था, ये मिक्स है। इसके बाद आप ये इसकी फ़ोटो देख सकते हो इसकी मदर की, इसके अंदर भी जो ब्लैक कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब चलते हैं इसकी पेडिग्री के ऊपर और इसको कंपेयर करेंगे हम ब्रूट की पेडिग्री से। तो इसकी जो कैस्पर की पेडिग्री है वो है हैंग टाइम, बॉम्बेरो और मोगूल। इसका जो सायर है वो है कुकी कटर हैंग टाइम, फादर है वो, और डैम है इसके क्लेनुक कोलिटा बॉम्बेरो। डैम देखिए आप एक्सीलेंट 91 है। तो स्कोर वाइज अगर देखेंगे तो इसकी डैम का स्कोर ब्रूट की डैम से ज़्यादा है, एक्सीलेंट 91 है, और इसका भी 365 दिन का रिकॉर्ड है, 12906 किलो, लेकिन ये कम उम्र में है, 1 साल 11 महीने में ही का रिकॉर्ड है ये, और उसका लगभग 2 साल 7 महीने में था, वो उसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी फर्स्ट काल्विंग के टाइम पे ब्रूट की मदर। और फैट इसका भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल है, 4.6%, उसका 4.7% था। लेकिन इस बुल की एक खासियत है, आप देखोगे डॉटर एवरेज, इस ये बुल जो है वो डॉटर प्रूवन है, इसकी ऑलरेडी जो डॉटर्स हैं, बछड़ियां हैं, वो अमेरिका में आ चुकी हैं बहुत सारी, और वो दूध भी दे रही हैं 13068 किलो के एवरेज से। तो ये बुल जो है वो कंफर्म है, ये प्रोजनी टेस्टेड है, इसके बच्चे आपको मिल्किंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसकी जो बहुत सारी डॉटर्स हैं उनका डाटा क्या एवरेज हम कलेक्ट कर चुके हैं, 13000 किलो एक लैक्टेशन में दे रही है, वो 4.1% फैट के साथ। लेकिन वहीं पे जो ब्रूट है वो सिंपल एक जीनोमिक बुल है, उसकी डॉटर्स आपके पास नहीं है, कोई डॉटर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है कि एक्चुअल में इसकी जो बछड़ियाँ हैं उन्होंने कितना दूध दिया है। लेकिन कैस्पर की जो बछड़ियाँ हैं उसका आपने टेस्ट किया हुआ है, उसकी बछड़ियों का डाटा लेके अब देख लेते हैं मिल्क कितना इम्प्रूव कर रहा है, +475 मिल्क ये ब्रूट से कम इम्प्रूव कर रहा है, ब्रूट का लगभग +1300 के करीब था, इसका है +475।
लेकिन आप राइट साइड में देखिए रिलायबिलिटी 99% रिलायबिलिटी है इसकी। आप कोई भी डाटा देखिए, सोमेटिक सेल स्कोर देखिए कितना कम है, 2.71, उसका 3.17 था। तो सोमेटिक सेल बहुत कम है, मेस्टाइटिस होने के चांसेस भी बहुत कम आएंगे और रिलायबिलिटी है 98%। वहीं पे आप ब्रूट का डाटा देखोगे आपको सिर्फ 70-80% रिलायबिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसकी अभी डॉटर्स का कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वो सिर्फ उसके जीन्स को टेस्ट करके एक अंदाज़ा लिया गया है, क्योंकि वो एक जीनोमिक बुल है। लेकिन यहीं पे जो इसका डाटा है वो आपको 98, 99, 96% रिलायबल दे रहे हैं, और सोमेटिक सेल स्कोर तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम दिया जा रहा है, सिर्फ 2.71। तो मेस्टाइटिस होने के चांसेस ना के बराबर हैं अगर आप साफ़ सफाई और अच्छा न्यूट्रिशन का ध्यान रखोगे तो। इसके अलावा फर्टिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं, ब्रूट का तो बहुत ज़्यादा माइनस में था, लेकिन इसका फर्टिलिटी इंडेक्स ज़ीरो है, ना प्लस है ना माइनस है, तो आपको ज़्यादा कंसेप्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हीफर कंसेप्शन रेट इसकी माइनस में है, जो इसकी बछड़ियाँ आएंगी उसको आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंसीव कराने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर जब वो काओ बनेंगी, काओ कंसेप्शन रेट वो आपका प्लस में होता जाएगा। और जनरली बछड़ियाँ रुक भी जाती हैं बड़ी उम्र में ही, इनको थोड़ा दिक्कत आता है, वो दिक्कत इस केस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गायें इस बुल की बड़ी होंगी उनका जो कंसेप्शन रेट है वो भी सुधरता जाएगा। काओ कंसेप्शन रेट प्लस 0.8 है। और नीचे जो डाटा दिया गया है मैं वही बात कर रहा हूँ, आप ये देखिए जो प्रोडक्शन का डाटा है 8092 डॉटर्स का इसका रिकॉर्ड कर रखा है, इतनी डॉटर्स तो मिल्किंग में है इसकी जो कि रिकॉर्ड कर रखा है, और 28809 पाउंड्स इसने दूध दिया है, जो लगभग आपका 13000 किलो से भी ज़्यादा बनता है 4.1% फैट के साथ। तो इस बुल का जो मिल्किंग का डाटा है वो बिल्कुल कन्फर्म है। इसके बाद आप DPI पे आते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी इसका ही ज़्यादा है, लगभग प्लस 2508 है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है। TPI ब्रूट से इसका ज़्यादा है। अडर स्कोर तो आप देखिए बहुत ही ज़्यादा है, प्लस 2.84 विद 98% रिलायबिलिटी, तो काफ़ी ज़्यादा हाई अडर स्कोर है इसका, ब्रूट से बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो सारा स्कोर ज़्यादा है, फोर अडर अटैचमेंट का स्कोर ज़्यादा है, रियर अडर हाइट, अडर और ज़्यादा ऊंचा बनेगा और ज़्यादा चौड़ा बनेगा, अडर क्लेफ्ट जो पीछे लाइन होती है अडर के बीच में तो वो भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो अडर का स्कोर तो काफ़ी इसका ज़्यादा अच्छा ही है एज़ कम्पेयर टू ब्रूट, ओवरऑल TPI भी है। और ब्रूट के तो बाकी सारा आप देखोगे फीट लेग्स कॉम्पोजिट स्कोर और बॉडी स्कोर वो सब माइनस में था, लेकिन इसका ये स्कोर भी प्लस में है, फीट लेग्स का स्कोर भी प्लस में है प्लस 0.40, और BCS भी प्लस में है। बॉडी का जो स्कोर है जो डिपेंड करता है बॉडी की हाइट चौड़ाई लंबाई डेप्थ पे, उसका स्टेचर उसका स्ट्रेंथ और उसके बॉडी डेप्थ पे, तो ये चीज़ भी आप देखोगे इस बुल की प्लस में ही है। तो ओवरऑल हम देखेंगे दोनों बुल्स को अगर कंपेयर करें, और मेरा अगर आपने सजेशन लेनी है तो वर्ल्ड वाइड का कैस्पर का जो बुल है वो ब्रूट से ज़्यादा अच्छा बुल है, आपको पैरामीटर के हिसाब से भी, TPI के हिसाब से भी, अडर के हिसाब से भी, सोमेटिक सेल के हिसाब से भी। मिल्क थोड़ा सा आपका ब्रूट इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन वो तब मायने रखता है अगर आपके पास 11-12 हज़ार लीटर वाली गायें हैं तब, लेकिन ब्लड लाइन जो है मेटरनल ब्लड लाइन है वो कैस्पर की भी बहुत अच्छी है। तो इन दो बुल में से अगर एक बुल सेलेक्ट करना है तो वर्ल्ड वाइड का कैस्पर ज़्यादा बेहतर बुल है। इसके बाद इन दोनों बुल की प्राइस की बात कर लेते हैं। ब्रूट का नॉर्मल प्राइस 500 रुपये के आसपास है, और सेक्सीमन का प्राइस जो है वो 1500 रुपये के आसपास है, और कैस्पर का कन्वेंशनल सीमन लगभग 850 रुपये का है। तो ब्रूट से ये महंगा सीमन भी है लेकिन अच्छा भी है। और एक और रीज़न महंगा होने का ये भी है क्योंकि वो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है कैस्पर का, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है, और ब्रूट बुल यहीं इंडिया में ही है, वो एक बार बुल को ख़रीद के ले आए थे और फिर यहीं से उसकी स्ट्रॉ पैदा हो रही है, तो इस चीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्राइस में से। तो दोनों का मैंने टोटल डिटेल्स आपको दे दी है, प्राइस भी और हर एक पैरामीटर भी, बाकी आपके एरिया में अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कौन सा बुल आपके एरिया में अवेलेबल है कौन सा नहीं है। सभी फ्रेंड्स का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।